पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को मनाया गया। मुरादाबाद के दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर भी गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को खूबसूरत अंदाज में मनाया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान वक्ताओं द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को जो संदेश दिया, उस संदेश से हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत की इन दोनों महान विभूतियों को लेकर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए। आजादी दिलाने में तथा आज जिस रूप में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, उसके पीछे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी एक व्यक्ति ही नहीं, वो एक विचारधारा है जिसका अनुसरण न केवल हमारा देश बल्कि पूरे विश्व में किया जा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को महान बताने की बात करता है, किसी व्यक्ति की महान होने की या उसके कार्य के तुलना की जाती है, तो हमेशा गांधी जी से की जाती है। सभी अफ्रीकन गांधी, अमेरिकन गांधी जैसे शब्द हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुने होंगे जो हमारे संविधान का अंग है, वो सभी ज़्यादातर जो है गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर है। चाहे वो ग्राम स्वराज्य की बात कही गई हो, चाहे वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने कहा हो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात कही हो, अंधविश्वास के विरुद्ध चलने की बात कही हो, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे संविधान में हैं, तो संविधान उनकी फिलॉसफी से पूर्ण रूपेण प्रेरित है। तो ऐसे आदरणीय पूज्य बापू को इस अवसर पर, उनकी 154वीं जयंती पर, मैं पुनः इस मंच के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय शास्त्री जी के विषय में भी बड़े विस्तार से बातें हुई, उनका जीवन भी जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो देश के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचता है। और वो भी ऐसा समय नहीं कि भाई देश एकदम प्रॉस्पर कर रहा है और आपको उस समय बैकडोर दे दी। जब आपका संगठन, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा होता है, तब आपको अगर बैकडोर दी गई तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप जो है संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय कोई जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाना और उसके साथ पूर्ण न्याय करना और आगे के लिए जो है लोगों के लिए एक उदाहरण बनना आसान कार्य नहीं है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हुई, उनका देहावसान हुआ, तो उस गैप को भर पाना बहुत आसान नहीं था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।